वाई एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ रंजना उइके। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की खास खबरों से। नमस्कार, मकाई समाचार 24 में आपका स्वागत है। खंडिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए निर्देशों का पालन कराने के लिए गुरुवार को नायब तहसीलदार भरत अहिरवार, राजस्व निरीक्षक संतोष पठोरिया और TI CS सरियाम के संयुक्त नेतृत्व में राजस्व व पुलिस कर्मियों की टीम ने तहसील मुख्यालय हंडिया के पटाखा बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। पूर्व में निर्धारित ग्राउंड पर लगी पटाखा दुकानों की व्यवस्थाओं व सुरक्षा को देखते हुए निरीक्षण किया गया है। इसमें शासन के निर्देशानुसार दुकानें 10 फीट की दूरी पर लगाई गई हैं या नहीं, दुकानों पर देवी देवताओं व चाइनीज पटाखों का विक्रय तो नहीं किया जा रहा, इसका जायजा लिया गया है। निरीक्षण में जिन दुकानों पर टीन की स्थान पर टेंट का कपड़ा लगाया गया था, उन्हें टीन लगाने के आदेश दिए गए। नायब तहसीलदार ने कहा कि अगर इसके बाद भी चाइनीज व देवी देवताओं के पटाखों के बेचे जाने की शिकायत मिलती है तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी पटाखा व्यवसायी चाइनीज व देवी देवताओं के पटाखों की बिक्री नहीं करेगा, अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। हालांकि किसी भी दुकान में चाइना या विदेशी पटाखे नहीं मिले। NGT के द्वारा इस बार विदेशी पटाखों की बिक्री पर ही रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि देसी पटाखों में केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने एवं उपयोग करने की अनुमति NGT द्वारा प्रदान की गई है। रिपोर्टर सुमित खत्री।